छिंदवाड़ा के पेंच क्षेत्र में कोयला खदानों में लगी आग को लेकर विधायक सोहन वाल्मीकि ने कोल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और सीएमडी से इसकी शिकायत की है। उन्होंने बताया कि कोयला स्टॉक सही समय पर नहीं हटाए जाने के चलते सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। परासिया पेंच क्षेत्र में कोयला खदानों के स्टॉक में आग लगने को लेकर विधायक सोहन वाल्मीकि ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधक कोयला स्टॉक हटाने का टेंडर तो देती है पर समय पर कोयला स्टॉक से नहीं हटाने की वजह से कोयले का ढेर लग जाता है, जिसकी वजह से कोयले के ढेर पर आग लग जाती है, जिससे कई लाखों टन कोयला जलकर राख हो जाता है, जिससे राष्ट्रीय संपदा को नुकसान तो होता है और भारत सरकार को कई करोड़ों रुपए का घाटा भी होता है। ये विकोले की ओपन कास्ट माइन है पेंच एरिया की, और मैंने आज सभी लोग को, आप लोगों को इसलिए यहाँ पर लेकर आया है कि मेरे प्रबंधन को बार बार बोलने के बाद जो एक कोयले का उत्पादन हुआ है, लगभग 1.5 लाख कोयला टन यहाँ पर उत्पादन होकर ऊपर पड़ा हुआ है, और इसमें प्रबंधन की लापरवाही के कारण जिस तरीके की जो आग लगी है, और ये हमारी राष्ट्र की संपत्ति है और उसका नुकसान हो रहा है। हजारों टन कोयला आज यहाँ पर जल गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।